नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और लगातार उससे अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने रफी दौला तक अध्ययन कर लिया था और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे और उन सारे शासकों के बारे में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है उन सबका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा मोहम्मद शाह और उसके बाद के एक या दो जो शासक रहे हैं उन सबका अध्ययन करेंगे। तो आज हेडिंग डालिएगा आप लोग मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के अगर हम कार्य की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो ये 1719 से लेकर 1719 से लेकर 1748 तक देखने को मिलता है। 1719 से लेकर 1748 एडी यानी कि ईस्वी तक देखने को मिलता है मोहम्मद शाह का शासन का। रफीउद्दौला के बाद बैठे थे अजी जहान शाह के ये पुत्र हैं। चलिए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं और पूरा एक बार रोड मैप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर नोट्स बनाना शुरू करेंगे। हम लोगों ने देखा कि मुगल दरबार में किस प्रकार से गुटबंदी हो रही थी। तीन गुट, चार गुट मैंने बताए थे, हालांकि अफगानी गुट बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। बाकी के सिर्फ तीन गुट बचे हुए थे जो अपना रोल प्ले कर रहे थे मुगल दरबार में। वो कौन कौन से गुट थे? ईरानी गुट था, तुर्रानी गुट था और था हिंदुस्तानी गुट। तो तीन गुट थे और इन तीनों का अपना अपना समय आया। ईरानी गुट के थे असद खां और उनका लड़का जुल्फिकार खां, ठीक है। दो लोग थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, हमने शुरुआत में देखा था, असद खां और जुल्फिकार खां। इन दोनों की हत्या हो गई, ये ईरानी गुट भी बाहर हो गया। उसके बाद जो रोल में आया वो था हिंदुस्तानी गुट यानी कि सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं का शासन शुरू हुआ। शासन क्या मतलब, किंग मेकर थे ये। सैयद बंधु में कौन कौन से थे? अब्दुल्ला खां, सैयद अब्दुल्ला खां, दो भाई थे, और दूसरा नाम था सैयद हुसैन अली। हुसैन भी खां भी कहा गया कि कहीं कहीं पर, और कहीं पर हुसैन अली कहा गया। तो सैयद बंधु में दो भाई थे, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली। इन लोगों का भी अपना पीरियड चला, अपना दबदबा चला, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो गया। हम लोगों ने देखा कि इन्होंने फर्रुखसियर से लेकर रफीउद्दौला, रफीदुर्रजात और मोहम्मद शाह तक गद्दी पर बैठाए हैं। चार शासकों को ये गद्दी पर बैठाते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसलिए इन चार शासकों को बैठाने के कारण इनको किंग मेकर कहा जाता है। अब बचा हुआ था तुर्रानी गुट, और तुर्रानी गुट का जो मेन व्यक्ति था वो था निजामुल मुल्क या चिनक्लेज का। इसके अलावा एक व्यक्ति का और नाम देखना पड़ता, अमीन खां, साथ में हैदर अली भी देखने को मिलता है, अमीन खां और हैदर अली। तुर्रानी गुट में कौन से? निजामुल मुल्क, अमीन खां और हैदर अली, ठीक है, हैदर अली। ये गुट समाप्त हो गया, ये गुट अभी वर्तमान में दबदबा है और ये गुट तुरानी गुट भविष्य में आने वाला है। तो इन गुटों के हिसाब से हम लोग चीजों को समझेंगे कि किस प्रकार मुगल दरबार में षड्यंत्र रचा जा रहा था। चलिए अब पूरी कहानी सुन लेते हैं। कहानी ये थी कि सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह, जो कि जहान शाह का पुत्र था और जिसका नाम था रोशन अख्तर, असली नाम था इसका रोशन अख्तर, और रोशन अख्तर को बैठाया गद्दी पर सैयद बंधुओं ने। जहान शाह का ये पुत्र था और इसको मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर विराजमान किया। अगर सन की बात कहें तो 1719 में ये गद्दी पर बैठता है, बिल्कुल नया युवक था, 17-18 वर्ष की अवस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद शाह यह रोशन अख्तर जानवरों का युद्ध देखने का बहुत प्रिय था। यह अपनी पूरी जवानी में इसने जानवरों के युद्ध देखे, भोग विलासिता में डूबा रहा। हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल काल में अध्ययन कर रहे हैं और सभी शासकों के बारे में यही शब्द बोल रहे हैं कि ये भोग विलासिता में डूबे हुए थे, और ये सत्य भी है। मोहम्मद शाह भी अपने ही पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल रहा था, भोग विलासिता में डूबा रहता था, जानवरों का युद्ध देखने का शौकीन था।
पूरी शासन व्यवस्था थी शैयद वंदुओं के हाथ में, जिन्होंने इसको गद्दी पर बैठाया था। चार शासकों को गद्दी पर बैठाने के कारण शैयद वंदुओं को किंग मेकर कहा जाता था, शासक निर्माता कहा जाता था, राजा निर्माता कहा जाता था। अब यहाँ पर जो मोहम्मद शाह था, ये इन शैयद वंदुओं से मुक्त होना चाहता था, ये इनके प्रभाव से बाहर आना चाहता था, क्योंकि सारे काम दखलंदाजी कौन कर रही थी, शैयद वंदुओं की हो रही थी। दूसरा कारण और जो देखने को मिलता है कि ये शैयद वंदुओं से क्यों मुक्त होना चाहता था, तो हम ये देखते हैं कि शैयद वंदु हिंदुस्तानी गुट के थे और यहाँ के राजपूत और जाटों का, रूहेलों का इसको समर्थन प्राप्त था। तो ये गैर मुस्लिमों के प्रति ये नरम नीति अपनाया करते थे और मुस्लिमों को, विशेषकर ईरानी और तुरानी गुट के जो सरदार हुआ करते थे, उनको दरबार में विशेष महत्व नहीं दिलवाते थे। साथ में ये गैर मुस्लिमों को समर्थन किया करते थे, गैर मुस्लिम के प्रति सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाया करते थे। जजिया कर को इन्होंने अंतिम रूप से समाप्त करवा दिया था। और भी इन्होंने जो कि भारतीय राजपूत राजा थे या और भी सरदार थे, उनके प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। ये बात दरबार की ईरानी और तुरानी गुट के सरदारों को पसंद नहीं आ रही थी। निजामुल मुल्क ने यहाँ पर सरदार के कान, राजा के कान भरने शुरू कर दिए, यानी कि मोहम्मद शाह के कान भरने शुरू कर दिए। मोहम्मद शाह पूरी तरह जो भोग विलासिता में डूबा रहता था, स्त्रियों का प्रभाव बढ़ने लगा था इसके दरबार में और इसके जीवन में, इसलिए भोग विलासिता में डूबने के कारण इसको मोहम्मद शाह रंगीला उपनाम से भी बुलाया जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हुआ था कि चिंगकलीज खान और निजामुल मुल्क जिसको कहा जाता है, वो क्या करता है, कान भरना शुरू कर देता है। इसके दरबार में दो व्यक्ति और थे जिनके नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अमीन खां और हैदर अली। हैदर अली इसके तोप खाने को संभालने वाला प्रमुख है और अमीन खां इसके दरबार का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कि तुरानी गुट का है। यानी कि अब यहाँ पर तुरानी गुट की एक जुगलबंदी बन गई, किन किन के बीच में, निजामुल मुल्क के बीच में, अमीन खां के बीच में और हैदर अली के बीच में। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने लास्ट और लेक्चर में पढ़ा था, फर्रुख शेर के समय पढ़ा था कि फर्रुख शेर ने दक्कन की यानी कि दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी निजामुल मुल्क को दे दी थी। वहां से निजामुल मुल्क स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। अब इन तीनों ने क्या करा, उसकी गुटबंदी शुरू हो गई। निजामुल मुल्क खान देश पर आक्रमण करता है। खान देश पर कौन विराजमान है, हुसैन अली, यानी कि शैयद वंदुओं का छोटा भाई हुसैन अली खान देश पर विराजमान है और निजामुल मुल्क खान देश पर हमला करता है। निजामुल मुल्क के पास मालवा की भी सूबेदारी थी, मालवा की सूबेदारी भी थी। एक मानचित्र के माध्यम से समझने इसको देख लेते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। ये गुजरात वाला हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है और इधर बंगाल बिहार उड़ीसा का हिस्सा है। दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी किसके पास है, निजामुल मुल्क के पास है, निजामुल मुल्क के पास है। यहां पर है खानदेश और खानदेश की सूबेदारी है हुसैन अली के पास, किसके पास, हुसैन अली के पास। इलाहाबाद की सूबेदारी किसके पास है, इसके बड़े भाई अब्दुल्ला खान के पास, अब्दुल्ला खां के पास। इसके अलावा हुसैन अली के पास बंगाल और बिहार की भी सूबेदारी थी। इन दक्षिण और खानदेश, ये कौन सा देश है, खानदेश, ये रहा दक्षिण। दक्षिण और खानदेश के समीप एक स्थान है मालवा का प्रदेश, कौन सा, मालवा का प्रदेश। हालांकि मालवा के प्रदेश पर किसी समय हुसैन अली का अधिकार हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद शाह ने दक्षिण मालवा से भी कर संग्रह करने का अधिकार दे दिया था निजामुल मुल्क के लिए। अब निजामुल मुल्क क्या करता है, मालवा के रास्ते होते हुए खानदेश पर हमला कर देता है, यानी कि हमला कर देता है हुसैन अली के ऊपर, और हुसैन अली यहाँ पर निजामुल मुल्क को पराजित कर देता है, उसको परास्त कर देता है। ये वाली बात जाकर हुसैन अली बताता है मोहम्मद शाह के लिए, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ था। हुसैन अली जाकर निजामुल मोहम्मद शाह को बताता है कि इस तरह निजामुल मुल्क ने मेरे ऊपर हमला किया और हम लोग अब उस पर अटैक करेंगे। कौन कौन अटैक करेंगे, अटैक करने के लिए गठजोड़ बना मोहम्मद शाह का, हुसैन अली का,
साथ में कौन कौन थे? साथ में थे अमीन खां, और जब सेना जा रही है तो तोपची तो जाएगा ही जाएगा, हैदर अली, जो कि तोपची का नाम क्या, हैदर अली, कहीं कहीं हैदर खां भी देखने को मिलता है, हैदर अली या कहीं कहीं पर हैदर खां भी लिखा हुआ है। ये चारों लोग चल देते हैं निजामुल मुल्क पर अटैक करने, कहां पर, दक्षिण में। क्लियर हो रहा है? अब जरा स्थिति को समझिए, इन चारों लोगों की स्थिति देखिएगा। मोहम्मद शाह चाह रहा है हुसैन अली से उसे मुक्ति मिल जाए। अमीन का हैदर अली पहले ही निजामुल मुल्क से मिल चुके थे, क्योंकि ये सब किस गुट के हैं, ये सब तुर्रानी गुट के हैं। अमीन का और हैदर अली पहले ही निजामुल मुल्क से मिले हुए थे। एक बचा था हुसैन अली। हुसैन अली अलग था और इस षड्यंत्र को वो समझ भी नहीं पा रहा था। यहाँ पर अमीन का हैदर अली से कहते हैं कि हुसैन अली को हत्या कर दीजिए। रास्ते में जाते हुए मालवा प्रदेश की ओर जाते हुए, मालवा से होते हुए जाएंगे, मालवा प्रदेश की ओर जाते हुए ये रास्ते में हत्या कर देते हैं हुसैन अली की 9 अक्टूबर 1720 को। कब? 9 अक्टूबर 1720 को। 9 अक्टूबर 1720 को हैदर अली हुसैन अली का छुरा घोप कर हत्या कर देता है। अब्दुल्ला खां क्या कर रहा था, जो बड़ा भाई था, अब्दुल्ला उस वक्त दिल्ली में रुक जाता है कि ऐसा ना हो कि दिल्ली में कोई और लोग अटैक कर दें। बड़ा भाई दिल्ली में रुक जाता है, छोटा भाई हुसैन अली मोहम्मद शाह को लेकर, अमीन खां को लेकर, हैदर अली को लेकर निजामुल मुल्क पर अटैक करना चाहता है। वो दरबार में हुए षड्यंत्र से परिचित नहीं है। मोहम्मद शाह हुसैन अली से मुक्त होना चाहता है। अमीन खां और हैदर अली पहले ही निजामुल मुल्क से मिल चुके थे, क्योंकि सभी का गुट एक ही था, तुर्रानी गुट था, और यहाँ पर हुसैन अली की हत्या कर दी जाती है। इस बात की खबर पहुँचती है अब्दुल्ला खां पर, और अब्दुल्ला खां दिल्ली की गद्दी पर एक व्यक्ति को बिठाते हैं जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, जो रफ़ीउ शान का पुत्र है। अब्दुल्ला क्या करता है उसके पीछे, ये लोग तो अभी मालवा में हैं, ये क्या करता है अब्दुल्ला खां, मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठा देता है। तो रफ़ीउ शान का पुत्र है, मोहम्मद इब्राहिम को ये गद्दी पर बैठा देते हैं। मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठा देते हैं। मोहम्मद इब्राहिम कौन है? रफ़ीउ शान का पुत्र है। रफ़ीउ शान के पुत्र मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठाकर उस पर उसकी दावेदारी प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये लोग कौन कौन, निजामुल मुल्क भी इनके साथ मिल गया, निजामुल मुल्क, अमीन खां और हैदर अली, ये सब मिलकर पहुंचते हैं दिल्ली में। और दिल्ली के पास एक स्थान देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर इसका नाम आपको हुसैनपुर देखने को मिला है, और कहीं कहीं इसका नाम बलोचपुर देखने को मिला है। यानी दिल्ली के पास हुसैनपुर या फिर बलोचपुर, दोनों ही स्थान विभिन्न विभिन्न स्रोतों से देखने को मिले हैं। वहाँ पर अब्दुल्ला खां के साथ इनका युद्ध होता है। ठीक है, एक तरफ कौन कौन है, निजामुल मुल्क है, अमीन खां है, हैदर अली हैं, और स्वयं महमूद शाह है, मोहम्मद शाह स्वयं है। इन लोग अब्दुल्ला खां के साथ युद्ध करते हैं, और अब्दुल्ला खां उस युद्ध में पराजित हो जाता है, और उसको पकड़कर अंधा कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात है 17 नवंबर 1720 की, 13 नवंबर 1720 की ये घटना है, जब अब्दुल्ला खां पराजित हो जाता है और उसको बाद में जेल में डाल देते हैं, जहां 1722 में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो रहा बात? ये पूरी कहानी समझ में आ रही है आप लोगों के लिए? चलिए, तो मोहम्मद शाह जो चाहता था कि सैयद बंधु मेरे रास्ते से हट जाएं, वही हुआ और रास्ते से हट गए। मोहम्मद शाह अमीन खां से बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि सारा षड्यंत्र अमीन खां ने ही रचा था, और इसको इमादुल मुल्क की उपाधि दी गई और अपना वजीर बना दिया गया। ठीक है, इसको क्या करा, इसको इमादुल मुल्क की उपाधि दी गई, इमादुल मुल्क की उपाधि देकर इसको अपना वजीर बना लिया। यानी कि तुर्रानी गुट अब पूरी तरह हावी हो रहा था मराठा साम्राज्य में, सॉरी मुगल साम्राज्य में या मुगल दरबार में। ठीक, अब 1721 में अमीन खां की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? अमीन खां की मृत्यु हो जाती है, और वजीर का पद हो जाता है रिक्त, वजीर का पद रिक्त हो जाता है। और इस वजीर के पद के लिए सबसे ज़्यादा जो योग्य व्यक्ति मोहम्मद शाह को लगता है, वो लगता है निजामुल मुल्क,
और निजामुल मुल्क को वो अपना वजीर बना लेता है। लेकिन निजामुल मुल्क चाहता ही नहीं था मोहम्मद शाह को, निजामुल मुल्क चाहता ही नहीं था कि दिल्ली उन्नति करे, वो तो दक्षिण में स्वायत्त होना चाहता था, साथ में मालवा के प्रदेश को भी चाहता था वो। उसने बिल्कुल भी मोहम्मद शाह का सहयोग नहीं किया। मोहम्मद शाह कई बार इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद शाह खुद निजामुल मुल्क के घर पर जाया करते थे, उसको मनाया करते थे कि प्लीज़ दरबार में आ जाओ। देखिए क्या स्थिति हो रही है कि राजा या शासक स्वयं जा रहा है अपने वजीर के घर पर और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप दरबार में आइएगा और ज़रा देख राज्य की देखभाल कीजिएगा। कई बार हुआ है और इतिहास में एक जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी थी। तो ये पतन की ओर इशारा कर रहा है कि किस तरह वो आश्रित हो रहा है। और निजामुल मुल्क तभी भी मोहम्मद शाह की मदद नहीं करता है, उसके प्रति कृतघ्न बना रहता है। तब उसे याद आता है सैयद बंधुओं को। हालांकि सैयद बंधु महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने राजाओं का निर्माण भी किया था, लेकिन उन्होंने कभी शासक या अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया था। तब वो एहसास करता है कि मैंने सैयद बंधुओं की गलत हत्या करवा दी या उनकी मृत्यु करवा दी। ठीक है, तो निजामुल मुल्क क्या करता है, निजामुल मुल्क चला जाता है वो दक्षिण की तरफ। और चूंकि वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि मोहम्मद शाह की हिम्मत ही नहीं पड़ती है उसके खिलाफ कुछ करने की, और उसे वो मुक्त कर देता है, यानी कि दक्षिण के 6 प्रांत मुक्त हो जाते हैं। उसी समय इसके राज्यों में छोटे छोटे स्थानों पर विद्रोह भड़कना शुरू हो जाता है। इतना आप लोगों ने कहानी समझ ली, जरा एक बार मैप और बनाएंगे और फिर स्थिति को समझेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे उसके बाद। चलिए, मोहम्मद शाह इतना कमजोर शासक था कि वो अपने राज्य में हुए विद्रोह को दबा ही नहीं पाता था, और यही कारण था कि उसके दरबार में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचने लगा। और देखिए, दक्षिण का पूरा हिस्से में निजामुल मुल्क मिल जाते हैं, यानी कि निजामुल मुल्क या चिंगक्लिज खान, कुछ भी नाम आ सकता है, ये यहाँ पर मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलते हैं मुर्शिद कुली खान। अभी हम लोग जब राज्य पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। मुर्शिद कुली खान यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र मिल जाता है मुर्शिद कुली खान को, यानी कि मुर्शिद कुली खान यहाँ पर स्वतंत्र हो जाते हैं। मुर्शिद कुली खान अवध का क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश वाला अवध का क्षेत्र, यहाँ पर आ जाते हैं सादत खान। गंगा और यमुना के दोआब जो कि हमारा रुहेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रुहेला सरदार मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर कौन मुक्त होता है? रुहेला सरदार मुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा क्षेत्र गया, इधर का पूरा क्षेत्र गया, ये क्षेत्र गया और ये क्षेत्र चला गया। इसके अलावा भरतपुर और उसके आसपास का, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, भरतपुर और मथुरा के आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र लेते हैं बदन सिंह। अब बहुत थोड़ा सा क्षेत्र बसता है मोहम्मद शाह के पास, उसमें भी उत्तरी पश्चिमी प्रांत पर हमला हो जाता है नादिर शाह का हमला हो जाता है उत्तरी पश्चिमी प्रांत पर। यानी कि अब मोहम्मद शाह का शासन बहुत छोटे से राज्य पर रह जाता है, बहुत छोटी सी स्थिति हो जाती है। इतिहास में तो ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद शाह की स्थिति उसी प्रकार थी जिस प्रकार शिवाजी के बाद मराठों की स्थिति हो गई थी। ठीक है, शिवाजी के बाद मराठों की जो स्थिति हुई थी या छत्रपति की जो स्थिति हुई थी, वही स्थिति मोहम्मद शाह की हो जाती है। और मोहम्मद शाह बहुत छोटे से राज्य का एक राजा बनकर रह जाता है, और उसके ऊपर कोड़ के ऊपर खाज हो जाता है नादिर शाह का हमला। नादिर शाह के हमले को हालांकि हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन नादिर शाह का जो हमला होता है 1739 में, वो करनाल का युद्ध होता है 1739 में, और वो मोहम्मद शाह की नींव तोड़ देता है। हम पूरा देखेंगे, वहाँ पर एक फेमस डायलॉग आया था मोहम्मद शाह का कि दिल्ली अभी दूर है, तो वो पूरी घटना बताएंगे कि क्यों मोहम्मद शाह बार बार अपने दरबार में कह रहे थे कि दिल्ली अभी दूर है, और वही दिल्ली के युद्ध में, करनाल के युद्ध में, वही उनका प्रिय निजामुल मुल्क उनके साथ दगा करेगा। चलिए, वो नादिर शाह के हमले के समय हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1739 में करनाल में एक युद्ध होता है जिसमें नादिर शाह विजयी होता है। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण देखने को मिलता है इनके शासनकाल में। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बहुत चिंताजनक है, बहुत शोचनीय है और पूरी तरह चरमरा चुकी है।
इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में अगर बात करें तो ये कहा था कि फूल वालों की सैर इसने प्रारंभ की थी, ठीक है, फूल वालों की सैर इसने प्रारंभ की थी। बाकी इसका पूरा शासनकाल जोड़ तोड़ में ही व्यक्त हो गया, व्यतीत हो गया, और इसके बहुत छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हुए, यानी कि स्वतंत्र राज्य का जो निर्माण प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही। तो हम लोगों ने इसका पूरा अध्ययन कर लिया। इसके बाद 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के बाद इसका पुत्र अहमद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो पूरा हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार इन्होंने सैद बंधु से मुक्त हुआ, इसके लिए मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था, नादिर शाह का हमला हुआ इसके समय, अहमद शाह अब्दाली का हुआ, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय बने, इससे पहले छोटे छोटे राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था। अब रहा नोट्स का, तो हम लोग नोट्स बनाएंगे। एक पूरी आप लोगों ने एक स्टोरी सुन ली, अब सिर्फ इसकी नोट्स बनाएंगे, और आप लोग भी हाथ के हाथ लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, मैं पूरे नोट्स आपके तैयार करवाऊंगा। तो बस उम्मीद यही है कि आप लोग नोट्स तैयार करते रहें और लिखते रहें। चलिए, सैद बंधु, देखिएगा, सैद बंधु कठपुतली सरकार, कठपुतले शासक गद्दी पर बैठाने में दक्ष थे। इसी क्रम में वो क्या करते हैं, वो करते हैं जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर को 1719 में गद्दी पर बैठा देते हैं। इसी क्रम में वह जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से सितंबर 1719 को गद्दी पर बिठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या, मोहम्मद शाह रंगीला बहुत भवविलास में डूबा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। लिखिएगा, मोहम्मद शाह एक भोगविलासी शासक था, इसलिए इतिहासकार उसे मोहम्मद शाह रंगीला उपनाम से बुलाते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला नाम से बुलाते हैं। अब जरा हम षड्यंत्र की बात कर लें, दरबार में षड्यंत्र क्या चल रहा था। सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासन पर बैठने के बाद मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। देखिएगा सर, उसी समय दरबार में
तुरानी गुट, तुरानी गुट जिसमें कौन कौन से थे, निजामुल मुल्क, अमीन का और हैदर अली, निजामुल मुल्क, अमीन खा और हैदर अली, हैदर खां भी मिला है, हैदर खां भी लिखना चाहें तो लिख लें, हैदर अली तुरानी गुट मजबूत हो रहा था। मोहम्मद शाह को इसी गुट में प्रकाश की किरण नजर आई। प्रकाश की किरण नजर आई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसी समय निजामुल मुल्क ने खानदेश जिसकी सूबेदारी हुसैन अली के पास थी पर आक्रमण कर दिया। देखिए मानचित्र आप जरूर बनाइएगा, एक छोटा सा मानचित्र साथ में जरूर बनाइएगा जिससे कि याद करने में आसानी रहे। यहाँ पर आप बना लीजिएगा छोटा सा मानचित्र भारत का रोध ग्रह, दक्षिण में आप निजामुल मुल्क को बनाइएगा जैसे मैंने अभी बनाया था। उसके बाद यहाँ पर मालवा के प्रदेश पर भी सूबेदारी थी निजामुल मुल्क के पास, उसके पास में खानदेश है, तो इस तरह निशान लगाकर, तीर के निशान लगाकर कि उसने क्या करा था, खानदेश पर हमला किया था निजामुल मुल्क ने, निजामुल खानदेश जिसकी सोए हुसैन के पास थी आक्रमण कर दिया। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा लेकिन हुसैन अली मोहम्मद शाह, अमीन खां तथा हैदर अली को साथ लेकर निजामुल मुल्क पर आक्रमण कर देते हैं। क्या करा उन्होंने, निजामुल मुल्क पर आक्रमण कर दिया, लेकिन यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। निजामुल मुल्क पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आप लोगों को दिख रहा होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं, मालवा की ओर जाते समय जाते समय, ठीक है, कौन जा रहे थे, ये मालवा की ओर जा रहे थे उसी समय, 9 अक्टूबर 1720 को मालवा की ओर जाते समय 9 अक्टूबर 1720 को हैदर अली ने चाकू घोंपकर
चाकू घोप कर हुसैन अली की हत्या कर दी। हुसैन अली की हत्या कर दी, ठीक है, कर दी। उस समय अब्दुल्ला खान दिल्ली में ही था, लिखिएगा, उस समय अब्दुल्ला खान कौन था, हुसैन अली का बड़ा भाई, अब्दुल्ला खान दिल्ली में ही था। दिल्ली में ही था। उसने तख्ता पलट के इरादे से रफी उस्सान के पुत्र मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठा दिया। उसने तख्ता पलट के इरादे से के इरादे से मोहम्मद इब्राहिम को, जो कौन था, रफी उस्सान का पुत्र था, इरादे से रफी उस्सान के पुत्र मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन मोहम्मद शाह की एक विशाल सेना आगरा के निकट है गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। अब ये लोग इधर से बढ़ रहे हैं, उधर से अब्दुल्ला खान चलते हैं। आगरा के पास बिलोचपुर नामक स्थान पर कब, तेरह नवंबर 1720 को दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हो जाती है। दोनों सेनाएं कौन कौन सी, एक तरफ अब्दुल्ला खान है, एक तरफ मोहम्मद शाह तुरानी गुट है, हो जाती है, जिसमें अब्दुल्ला खान पराजित हो जाता है और अरेस्ट हो जाता है, जिसमें अब्दुल्ला खान पराजित होकर कारावास में डाल दिया जाता है। जहां 1722 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अमीन खां को उसका इनाम मिलता है। अमीन खां, जिन्होंने पूरे युद्ध में साथ दिया था, जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था, उसको इनाम मिलता है। और इनाम कहते हैं उसको, इमादुल मुल्क की उपाधि दी जाती है और अपना वजीर बना दिया जाता है। देखिएगा, अमीन खां को षड्यंत्र का इनाम मिलता है, षड्यंत्र का पुरस्कार मिलता है, या इनाम लिखिए, कुछ भी लिख लीजिएगा, पुरस्कार मिलता है। मोहम्मद शाह क्या देता है उसको, इमादुल मुल्क की उपाधि देता है, उसको अपना वजीर बना लेता है, मिलता है उसे इमादुल मुल्क की उपाधि दी जाती है, तथा वजीर नियुक्त किया जाता है। वजीर नियुक्त किया जाता है
आगे लिखिएगा 1721 में क्या होता है, अमीन खां की भी मृत्यु हो जाती है। 1721 में अमीन खां की मृत्यु हो जाती है और उसके जगह फिर वजीर बना जाता है इमादुल निज़ामुल मुल्क के लिए। लिखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, 1721 में अमीन खां की मृत्यु के बाद, अमीन खां की मृत्यु के बाद निजामुल मुल्क को वजीर बना दिया जाता है। निजामुल मुल्क को वजीर बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, पूरी घटना आप लोगों को मालूम पड़ गई क्या हुआ। इनाम तो मिलना था, इनाम मिल गया, उसको वजीर बना दिया गया। 1721 में क्या हुआ, 1721 में अमीन खां की मृत्यु हो जाती है और निजामुल मुल्क को वजीर बना दिया। ये एक गलती थी, इस गलती के बाद क्या हुआ कि उसका साम्राज्य छिन भिन हो गया। देखिएगा, मोहम्मद शाह बहुत अक्षम व्यक्ति था, मोहम्मद शाह अक्षम व्यक्ति था, वह अपने राज्य में होने वाले विद्रोह को नहीं दबा सका। मोहम्मद शाह अक्षम व्यक्ति था, वह अपने दरबार में, वह अपने दरबार में या अपने शासन में या अपने राज्य में दरबार में हुए विद्रोहों को, हुए विद्रोहों को नहीं दबा सका और छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, और छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक है, कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए जरा उनके नाम लिख लीजिएगा। एक तो दक्षिण के 6 सूबे, ठीक है, दक्षिण को हम एक साथ लिख देते हैं, दक्षिण में स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में बैठ के निजामुल मुल्क, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुर्शिद को लिखा। देखिए मानचित्र जो बनाया था मैंने यहां पर कि कौन कौन किस जगह बैठा हुआ था, उस मानचित्र को इस जगह बनाइएगा, बंगाल बिहार और उड़ीसा में कौन बैठ गया, मुर्शिद को लिखा, मुर्शिद कुली खां। ठीक, इसके अलावा अवध में कौन, सादत खां, इसके अलावा मथुरा और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, मथुरा और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, यहां पर वदन सिंह, इसके अलावा गंगा और यमुना का दोआब जो बरेली के आसपास का क्षेत्र है वहां पर कौन, रुहेला सरदार, तो उनके नाम पर रुहेलखंड नाम पड़ा है। ऐसे लिखिएगा, सांजापुर और बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना के दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में कौन, रुहेला सरदार। इन लोगों ने क्या किया, अपने अपना स्वतंत्र राज्य वहां पर बना लिया, उससे मोहम्मद शाह से स्वतंत्र हो गए। आगे लिखिएगा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद करनाल का युद्ध होता है। 1739 में नादिर शाह हमला करता है, करनाल नामक स्थान पर दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हो जाता है। ठीक है, लिखिएगा, 24 फरवरी 1739 को, 24 फरवरी 1739 को करनाल नामक स्थान पर, को करनाल नामक स्थान पर, 24 फरवरी 1739 को करनाल नामक स्थान पर फारस के शासक नादिर शाह, फारस के शासक नादिर शाह तथा मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध होता है।
तथा मोहम्मद शाह के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य युद्ध होता है जिसमें नादिर शाह विजयी रहता है। विजयी होता है, ठीक है। नादिर शाह का जो हमला है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, उसको पूरा तब क्लियर होगा। अभी तो बस आप इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। करनाल में क्या होता है, करनाल में युद्ध होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य, और उस युद्ध में क्या होता है कि नादिर शाह विजयी होता है। हालांकि उसने उसके पूरे राज्य को अपने अधीन नहीं किया था, नादिर शाह ने बहुत सारा माल लूटा और वापस फारस चला गया। कहते हैं कि इसमें मध्यस्थता निज़ामो मुल्क ने की थी, लेकिन निज़ामो मुल्क ने भी उस स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया था। क्या होगा नादिर शाह के समय, हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके समय बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम भी आ गया था दिल्ली तक, 500 घोड़ों के साथ दिल्ली तक आ गया था, और इतना डरपोक था मोहम्मद शाह रंगीला, उसका भी विरोध नहीं कर पाता है, उसको भी बहुत सारा धन दे देता है। ठीक है, लिखिएगा, इसी के शासनकाल में नेक्स्ट लिखिएगा, इसी के शासनकाल में 1737 में, बाजीराव पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली तक आ गए था। इसी के शासनकाल में बाजीराव फर्स्ट 500 घोड़ों के साथ, घुड़सवारों के साथ या घोड़ों के साथ, 500 घुड़सवार कर लो, 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आ गया था, दिल्ली तक आ गया था। ठीक है, यानी कि पेशवा बाजीराव किसके समय दिल्ली पर आक्रमण करता है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय करता है। चलिए नेक्स्ट, जो एक अच्छी बात है जो इसके बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहता, फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ किया था। ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह पर दिल्ली में आयोजित किया जाता था फूल वालों की सैर नामक उत्सव। मोहम्मद शाह ने दिल्ली में कुतुब शाह की दरगाह पर फूल वालों की सैर नामक त्योहार प्रारंभ किया था। इसके बाद क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली का भी इसके समय होता है, जो कि नादिर शाह का दामाद भी है और सेनापति भी है। अहमद शाह अब्दाली वो इसी के समय में भारत पर आक्रमण करता है। लिखिएगा, इसी के शासनकाल में 1747 को नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। देखिए, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस वक्त स्थिति क्या हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों के उस वक्त क्या होते हैं, हमले होते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा लूट कर ये लोग चले जाते हैं। इसके बाद
अप्रैल 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र अहमद शाह दिल्ली के सिंहासन में बैठता है। लिखिएगा अप्रैल 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उसका पुत्र और गद्दी पर क्या होता है उसके गद्दी पर क्या होता है उसके गद्दी पर उसका पुत्र अहमद शाह बैठता है। कौन? अहमद शाह, वो भी बेकार शासक होता है। गद्दी पर उसका पुत्र अहमद शाह बैठता है। कौन बैठता है? उसका पुत्र अहमद शाह। गद्दी पर उसका पुत्र अहमद शाह बैठता है। ठीक है, तो इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला की यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। और मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी समाप्त होने के बाद अब कहानी शुरू होगी इनके पुत्र अहमद शाह की। ठीक है, अहमद शाह भी 1748 से 1754 तक इनका कार्यकाल रहा था, कोई खास नहीं था। इनकी माता का ज़्यादा प्रभाव था, साथ में एक जावेद खान नाम का एक हिजड़ा हुआ करता था, उसका जिक्र मिलता है। बाकी इन्होंने अपना कुछ काम किया नहीं था। चलिए लिख लेते हैं अहमद शाह को, एक बार देख लेते हैं और इसके बारे में भी नोट्स तैयार कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा अहमद शाह। अहमद शाह हेडिंग डालिएगा अहमद शाह। सत्रह सौ अड़तालीस से 1754 तक इनका कार्यकाल रहता है। अहमद शाह स्वयं में एक अक्षम और अयोग्य शासक था। इसने कुछ हुआ नहीं किया। अहमद शाह अब्दाली का इसके सामने कई बार आक्रमण हुआ है। इसने क्या किया, एक हिजड़ों के सरदार था जावेद खान, उसको नवाब बहादुर की उपाधि दी गई, उसको दरबार में विशेष स्थान दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो उसका वजीर था इमादुल मुल्क, जिसको सफदरजंग भी कहा जाता है, सफदरजंग इसकी हत्या कर देता है। सफदरजंग हत्या करके जावेद खान की हत्या कर देता है। बाद में सफदरजंग और उसके और सामंत मिलकर कहते हैं कि ये व्यक्ति जो अहमद शाह है सरदार है, ये किसी भी काम का ना है, इसको गद्दी से उतार देना चाहिए। और इन लोगों का प्रभाव था कि अहमद शाह को गद्दी से उतार दिया गया। इसके समय में इसकी माँ का जो विशेष रोल था, वही सारे शासन व्यवस्था को देखा करती थी। अहमद शाह किसी भी काम का नहीं था, वह कुछ भी देखने के योग्य नहीं था। 1748 तक 1754 तक जैसे तैसे उसने अपना कार्यकाल व्यतीत किया था। चलिए इसको लिख लेते हैं। अहमद शाह गद्दी पर बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर अभी देख चुके हैं। ठीक है, अब अहमद शाह को आगे देखते हैं। अहमद शाह सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त करता है, अपना वजीर नियुक्त करता है। यह एक हिजड़े जावेद खां पर विशेष कृपा रखता है और उसको नवाब बहादुर की उपाधि देता है। यह एक हिजड़ा जावेद खां पर विशेष कृपा रखता है तथा उसे नवाब बहादुर की उपाधि देता है। देख लीजिएगा, उपाधि देता है। इससे जो सफदरजंग है ये क्रोधित हो जाता है और नवाब बहादुर उसकी जावेद खां की हत्या कर देता है। इससे क्रोधित होकर सफदरजंग जावेद खां की हत्या कर देता है,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके समय में इसकी माँ का विशेष रोल था, इनका नाम उधम बाई भी देखने को मिलता है, कदासिया बेगम भी देखने को मिलता है, ठीक है, कदासिया बेगम या उधम बाई। इसके शासन की बागडोर, इसके शासन की बागडोर, की बागडोर इसकी माँ, इसकी माँ उधम बाई या फिर कदासिया बेगम, इसकी माँ उधम बाई, दो नाम देखने को मिलते हैं, उधम बाई या कदासिया बेगम, कदासिया बेगम के हाथों में थी, के हाथों में थी, ठीक है। सारा काम कौन देखता था, उधम बाई या फिर कदासिया बेगम देखा करती थी या फिर इमादुल मुल्क देखा करता था, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद जो सफदरजंग था, सफदरजंग को हटाकर इमादुल मुल्क इसका वजीर बनता है मराठों की मदद से, ठीक है। लिखिएगा, मराठों की मदद से, मराठों की मदद से सफदरजंग, सफदरजंग को हटाकर इमादुल मुल्क वजीर बन जाता है, ठीक है, वजीर बन जाता है। इमादुल मुल्क तथा बाकी सामंतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया जाए, और वो हटा दिया जाता है। इमादुल मुल्क ने मराठों की मदद से, मराठों की मदद से अहमद शाह को अंधा कर सलीमगढ़ के किले में डाल देता है। मराठों की मदद से अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ के किले में डाल देता है तथा आलमगीर दुत्ते को राजा बना देता है। आलमगीर सेकंड को शासक बना देता है, शासक बना देता है, ठीक है। आलमगीर सेकंड कौन था, शासक बन जाता है और वो अपना काम करता है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल नाम देखने को मिलता है वो अजीजुद्दीन मिलता है, और अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठता है। आलमगीर किसकी उपाधि थी, आरंगदी आपको ध्यान होगा, औरंगजेब की उपाधि थी, तो उसकी मदद से ये गद्दी पर बैठता है। चलिए चलो थोड़ा सा और लिख लेते हैं, आलमगीर सेकंड को भी देख लेते हैं, अभी टाइम लगभग 55-56 मिनट की क्लास हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, आलमगीर सेकंड को देख लेते हैं। आलमगीर सेकंड भी कोई खास शासक नहीं निकलता है, लेकिन ये इमादुल मुल्क से मुक्त होना चाहता है, और इसी षड्यंत्र में ये अपनी मृत्यु करवा बैठता है। इमादुल आलमगीर सेकंड के नाम से बैठता है ये, आलमगीर सेकंड औरंगजेब की उपाधि थी, उसको आलमगीर फर्स्ट कहा जाता है, उसके सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये इमादुल मुल्क से मुक्त होना चाहता है, लेकिन इस षड्यंत्र के तहत, उसको मुक्त होने का जो षड्यंत्र रख रहा था उसके तहत ये अपनी ही मृत्यु करवा देता है, इमादुल मुल्क इसकी हत्या करवा देता है। इसके समय जो घटना घटित होती है वो होती है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिससे हम मेंस में प्रवेश करेंगे। अभी हमारा प्रीलियम्स चल रहा है, मेंस में जहाँ से हम प्रवेश करेंगे वह प्लासी का युद्ध आलमगीर सेकंड के समय में हुआ था। हेडिंग डालिएगा आलमगीर सेकंड, 1754 से लेकर आलमगीर सेकंड, इसका कार्यकाल 1754 से लेकर 1759 तक रहता है। देखिए इसके बीच में आ जाता है 1757, और 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। उस प्लासी के युद्ध को भी हम जब
पढ़ेंगे अंग्रेज उस वक्त देखेंगे, ठीक है। लगभग एक सवा घंटे की क्लास हो हुई हमारी, आप लोग नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है, लिखिएगा। मराठों की मदद से और इमादुल मुल्क की मदद से ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है, लिखिएगा। इमादुल मुल्क एक उपाधि है। इमादुल मुल्क क्या उपाधि है? नाम तो गाजीउद्दीन है इस व्यक्ति का, नाम गाजीउद्दीन, ब्रैकेट में लिखिएगा गाजीउद्दीन की सहायता से, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इन दोनों की मदद से क्या होता है, ये गद्दी पर बैठता है। अब इसका सारा शासन प्रबंध किसके पास है? इसका सारा शासन प्रबंध इमादुल मुल्क के पास ही है, ठीक है, लिखिएगा। ये मत लिखिएगा, ये तो अंडरस्टूड है। इसका शासन प्रबंध इमादुल मुल्क के हाथों में था, के हाथों में था। इसने इमादुल मुल्क से मुक्त होने का प्रयास किया, जो इसके लिए घातकारी सिद्ध हुआ और इसकी इमादुल मुल्क इसकी हत्या करवा देता है। इसने, लिख लीजिएगा, इसने इमादुल मुल्क से मुक्त होने का प्रयास किया, जिससे इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी। ठीक है। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है 1757 का प्लासिका युद्ध, लिख लीजिएगा। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, देखिए, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके अधीन नहीं है, ठीक है, इसके अधीन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक अलग घटना चल रही है। वो हम जब अंग्रेज पढ़ेंगे, ब्रिटिश पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, तो वहाँ उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। अब वो इनके अधीन नहीं है, लेकिन हाँ, ये उस वक्त के समकालीन था। प्रश्न आ जाता है यहाँ से, इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना, प्लासी का युद्ध था। ठीक है, तो हम लोगों ने आज तीन शासकों को पढ़ा, हालांकि दो शासक बाकी है, वो छोटे छोटे हैं, जिनका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। तो मोहम्मद शाह अब कोई बचे नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, एक क्लास में सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यूरोपियन कंपनी का जो आगमन हुआ था उनका अध्ययन करेंगे, पुर्तगाली से शुरू करेंगे, डेनिश तक पहुंचना है, ठीक है, फ्रांसीसियों तक पहुंचेंगे, डेनिश, डच वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग, सब इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनकर आते हैं। विशेषकर हमको अंग्रेज तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग मेंस में प्रवेश जब कर जाएंगे 1757 के बाद, तब पढ़ने का एक अलग आनंद आएगा। मैं रोज़ आपके लिए क्वेश्चन दिया करूँगा राइटिंग के लिए, और आप उसको लिखिएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया था, हालांकि किसी ने भी उसको लिखा नहीं है, ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमको लिखना पड़ेगा, हमको तैयार करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। नोट्स में लगातार बोर्ड पर लिखवा लिखवा के आपको तैयार करवा रहा हूँ, नोट्स लिखिएगा, बड़ा सुंदर से बनाइएगा, रंग बिरंगे बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, जिससे कि पढ़ने में आनंद आए। तो नोट्स बनाते रहिएगा, मैं लगातार पूरी क्लास आपको लूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करवाऊँगा आपको, रोज़ आपके लिए क्लास मिलेगी। बस आप लोगों का जो काम है वो है लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना और पढ़ते रहना। अभी मैं इसके टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करूँगा, बाकी कुछ जो छात्र मेरा ऑफलाइन क्लास चल रहा था उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी भी खबर दे दी जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पंच ऋषि क्लासेस के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पंच ऋषि क्लासेस के नाम से, जिस नाम से आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको अपडेशन रहेगा, पता लगता रहेगा कि कौन सी क्लास हो रही है और लाइव क्लास हो रही है तो किस टाइम हो रही है।
ठीक है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पूरा पढ़ेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। आप लोगों का काम सिर्फ नोट्स बनाना है और दूसरा काम आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादातर लोगों को दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।